मंडी प्रखंड के विभिन्न गांव रानाडी, कुरडीहा, बिलहत, सिंहोरा, पतीला, बरडीहा, जयनगरा, मुक्ति, विश्रामपुर, मझियाव पूर्व प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे राजन मेहता द्वारा दौरा किया और क्षेत्र के जनता से बातचीत करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सड़क, बिजली, रोजगार, राशन कार्ड, पलायन कई तरह से समस्याओं को सुनने को मिला। राजन मेहता ने लोगों के समस्याओं को सुनकर उनको विश्वास दिलाया कि अगर जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। राजन मेहता ने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा पर 35 वर्षों से दो जनप्रतिनिधियों ने ही कब्जा कर रखा है, जिन्होंने लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सका, उनके जज्बातों से खेलने का काम किया है। उन्होंने क्षेत्र का विकास न करके केवल अपना विकास करने में ध्यान दिया है, इसलिए विश्रामपुर विधानसभा के विकास के लिए सबसे पहले उन जनप्रतिनिधियों को हटाना होगा जिन्होंने 35 वर्षों से कब्जा में रखा है। इसलिए यहाँ के जनता ने इस बार बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ और युवा नेता राजन मेहता को क्षेत्र के विकास करने का मौका देना चाहती है। साथ ही राजन मेहता ने कहा विश्रामपुर विधानसभा पर 35 वर्षों के साम्राज्य को खत्म करने के लिए विश्रामपुर के डाक बंगला के मैदान में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आने का आग्रह राजन मेहता द्वारा किया। मौके पर युवा समाज सेवी धर्मेंद्र ठाकुर, श्रवण पासवान, बबलू खलीफा, सदाम अंसारी, अरविंद मेहता के साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।